मैं बताने जा रहा हूँ विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र होता कैसे है उसी को बताना है और उसका यूज कैसे होता है उसको बताना है। तो विभाजन सूत्र जो है नाम से भी स्पष्ट है कि विभाजन मैंने विभाजित करने वाला। तो एक रेखाखंड दिया हो और उसके बीच में कहीं भी एक बिंदु ज्ञात करना हो तो इसी विभाजन सूत्र का प्रयोग होता है। यानी वह बिंदु जो है एक रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित किया होगा तब उस बिंदु को अगर ज्ञात करना होगा तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे यह ये भी एक रेखाखंड है, इसके बीच में मान लेते हैं यहाँ कहीं पर एक पी बिंदु है, ठीक है। इसका अगर हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है तो इस विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो विभाजन सूत्र होता कैसे है, उसका यूज कैसे होता है और यह आया कहाँ से है, चलिए इसको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो इसको बताने से पहले यहाँ पे हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि ए बी एक रेखाखंड है और इस ए बी रेखाखंड को पी बिंदु दो पार्टों में विभाजित किया हुआ है। मान लेंगे कि एम वन में और एम टू में विभाजित किया हुआ है, यानी एक अनुपात में विभाजित करता है एम वन अनुपात एम टू। और इस बिंदु को हमको ज्ञात करना है इस दोनों बिंदु के माध्यम से। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यह विभाजन सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो इस सूत्र को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यह जो रेखाखंड का बिंदु है यह मालूम होना चाहिए। तो इसको हम मान लेंगे, यह जो ये बिंदु है इसको मानेंगे, इसका निर्देशांक जो है एक्स वन कॉमा वाई वन है। और बी बिंदु का निर्देशांक जो है इसको मान लेंगे एक्स टू कॉमा वाई टू है, इतना मान लेंगे। और हमको ये पी बिंदु ज्ञात करना है तो इसका भी मान लेंगे कि इसका जो निर्देशांक है एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना है इन दोनों बिंदुओं के द्वारा। अब जो है इस पी बिंदु का निर्देशांक यानी विभाजन सूत्र ज्ञात करने से पहले मान लेंगे कि ए बी रेखाखंड को पी बिंदु जो है एक अनुपात में विभाजित किया हुआ है, यानी एम वन अनुपात एम टू में विभाजित किया हुआ है। इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिख लिए माना कि P बिंदु जो है इसमें रेखाखंड AB को यानी इस AB रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करती है। यानी यह जो P बिंदु है यह AB रेखाखंड को आंतरिक रूप से M1 और M2 अनुपात में विभाजित करती है। लिखेंगे जिसके बिंदु A जो है x1 कॉमा वाई वन है और b जो है x2 और y2 है। यहाँ पे लिख दिए कि a बिंदु जो है x1 कॉमा वाई वन है और b बिंदु जो है x2 कॉमा वाई टू है, इतना लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जब कहा है कि ए बी जो रेखाखंड है इसको p बिंदु जो है m1 अनुपात m2 में विभाजित किया हुआ है, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे लिखते हैं m1 अनुपात m2, इसका कहने का मतलब है कि m1 बटा m2, ये अनुपात को इस तरह लिख सकते हैं। और जो m1 बटा m2 जो है इसमें जो है a से p तक का दूरी है m1 और b से p तक का दूरी है m2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ap बटा bp। यह जो m1 है ap है और m2 जो है bp है, इतना हम लिख सकते हैं, इसको समीकरण एक लिख सकते हैं। अब जो है इसके आगे क्या करेंगे, तो एक छोटा सा रचना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यह जो ए बिंदु है इससे लंब खींचेंगे इस तरह एक्स अक्ष पर, या एक्स अक्ष है, और फिर पी से भी इस पर हम लंब खींचेंगे इस तरह, ठीक है, और बी से भी यहाँ से एक्स अक्ष पर इस तरह लंब खींच लेंगे। ये लंब है एक्स अक्ष पर तो 90 डिग्री का कोण बनता ही है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लंब हुआ है इसको मानेंगे आर बिंदु, और यहाँ पे जो लंब हुआ है पी से एक्स अक्ष पर इसको मानेंगे एस, और बी से एक्स अक्ष पर जो लंब हुआ है यहाँ पे इसको मान लेंगे टी। अब क्या करेंगे, तो ए से इस पी एस पर लंब खींचेंगे, यहाँ इस तरह रखेंगे और इधर से इस तरह हम लंब खींचेंगे इस पर, जो कि एक्स अक्ष के समांतर होगा। लंब होगा तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा ही, और एक्स अक्ष के यह समांतर होगा, इसको मान लेंगे हम क्यू बिंदु। फिर यहाँ पी से बी टी पर लंब खींचेंगे जो एक्स अक्ष के समांतर होगा, यानी एक्स अक्ष के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे बी टी पर। तो यहाँ पर इस तरह हम रखेंगे स्केल, और पी से इस तरह हम यहाँ से खींचेंगे यहाँ बी टी पर, और यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा इसको मान लेंगे हम सी, यहाँ पे इस तरह मान लेंगे। अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम रचना लिख करके
लिखेंगे, जो काम किया है यहाँ पे लिखेंगे कि x अक्ष पर यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष पर a से r खींचा गया है तो लिखेंगे ए आर कॉमा p से s खींचा गया है x अक्ष पर लंब तो यहाँ पे लिखा है पी एस तथा b से t खींचा गया है x अक्ष पर लंब तो यहाँ पे लिखेंगे तथा बी टी लंब खींचा, यहाँ पे लिख देंगे खींचा। ठीक है, क्या किया गया है तो x अक्ष पर ए आर पी एस बी टी लंब खींचा गया है, यहाँ ए आर जो है x अक्ष पर लंब खींचा गया है, फिर पी एस को x अक्ष पर लंब खींचा गया है और बी टी को भी इसी पर लंब खींचा गया है, इतना किया गया है। उसके बाद जो है x अक्ष के समांतर ए क्यू खींचा गया है और इसी x अक्ष के समांतर पी सी भी खींचा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे और x अक्ष के समांतर ए क्यू तथा पी सी खींचा, इतना रचना किया गया है, इतना लिख देंगे। तो इतना रचना से लिख दिए। उसके बाद जो है यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, कौन सा त्रिभुज, तो पी ए क्यू और बी पी सी, यहाँ पर दो त्रिभुज बना हुआ है। अब दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो इसको देखने के लिए यहाँ पर लिखेंगे परिमाण, परिमाण में अब चलते हैं। परिमाण में क्या देखना है तो हमको अनुपात ज्ञात करना होगा और उसी से हमको विभाजन सूत्र ज्ञात करना है। तो इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे, तो दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, तो पहला त्रिभुज पी ए क्यू लिखाया गया यहाँ पर, पी ए क्यू त्रिभुज पी ए क्यू तथा त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज है बी पी सी, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी पी सी में, यानी इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे। इसको हमको समरूप बनाना है, ऐसे समरूप तो है ही लेकिन यहाँ पर हम प्रूव करके दिखाएंगे, कसौटी का नियम लागू करके बताएंगे। तो इसमें पहले देखेंगे इस त्रिभुज में जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज में 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में भी यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पी ए क्यू में 90 डिग्री है तो इसको लिखेंगे पी क्यू ए, यह जो है 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज का है तो इसी त्रिभुज के सामने लिखेंगे, लिखेंगे कोण पी क्यू ए, यानी ये कोण बराबर है इसके कोण के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, समकोण है, इसलिए तो इस त्रिभुज के सामने यह कोण लिखेंगे, यह कोण लिखेंगे बी सी पी, तो यहाँ पे लिखना होगा कोण बी सी पी, इतना लिख देंगे और दोनों क्यों बराबर है तो 90 डिग्री है, इतना हो जाएगा। अब दूसरा कोण देखना है, यह जो कोण है यह इस त्रिभुज में इस कोण के बराबर है, कैसे है तो इसको यहाँ पे हम बताते हैं। यह पी सी जो है और ए क्यू जो है, यह दोनों जो रेखा है, रेखाखंड जो है, यह एक अक्ष के समांतर है, यानी एक अक्ष के समांतर ए क्यू भी है और पी सी भी है, यानी यह दोनों जो रेखाखंड है पी सी और ए क्यू, ये एक अक्ष के समांतर है। तो जब यह दोनों एक अक्ष के समांतर है तो यह दोनों आपस में भी समांतर होंगे, यानी समानांतर होंगे, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे खींचते हैं इस तरह। ठीक है, और यह जो पी सी है और यह ए क्यू है यहाँ वाला, तो यह ए क्यू जो है पी सी के समांतर है, तो यहाँ पी से सी मान लेंगे यह पी सी है और यहाँ पर यह मान लेंगे ए है और इधर कहीं क्यू है। ठीक है, तो इधर का हमको कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाला का ठीक है, हमको मेन ये कोण और ये कोण को देखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो पी सी रेखा है इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर ए क्यू जो रेखा है इसको आगे बढ़ाएंगे तो समांतर दो रेखा मिल रहा है और इस पर एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तिर्यक रेखा कौन, तो ए बी है, ए बी जो है तिर्यक रेखा है और यह समांतर दो रेखा है, एक दूसरे का समांतर है। तो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटता है तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है, यह इसके समांतर है और ए बी जो है तिर्यक रेखा है और इसको काट रहा है, तो इसको आगे इस तरह बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर ये जो कोण बनेगा यह संगत कोण होगा, तो यह संगत कोण से दोनों कोण बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज में पी ए क्यू जो है इस त्रिभुज का बी पी सी के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, यह कोण पी ए क्यू, पी ए क्यू बराबर है किसके, तो बी पी सी के, तो यहाँ पर कौन लिखाएगा बी पी सी, कैसे बराबर है तो लिखाएगा संगत कोण है। ठीक है, क्यों बराबर है तो क्योंकि संगत कोण है, तो जब दो कोण बराबर है तो यह दोनों जो त्रिभुज है समरूप है, जब दो कोण बराबर है तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे
नियम लगेगा कौन सा कसौटी का, तो एंगल एंगल समरूपता से। यहाँ पे लिख देंगे एंगल एंगल समरूपता से। एंगल एंगल समरूपता के नियम से यह दोनों जो त्रिभुज है यह समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी ए क्यू समरूप त्रिभुज बी पी सी। यह दोनों जो त्रिभुज है एक दूसरे का समरूप हो गया। यानी समरूप कहने का मतलब है कि दोनों का रूप जो है एक दूसरे के बराबर है। भले इसका परिमाण अलग हो सकता है लेकिन इसका रूप जो है, इसका आकार जो है बराबर है, समान है, एक जैसा है। तो जब समरूप हो गया तो एंगल एंगल कसौटी कहता है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इनके भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में होता है, यानी समानुपात में होता है। तो इसके तीन भुजा है। पहला भुजा कौन सा है, तो पी ए है और ए क्यू है और पी क्यू है। इसमें जो है बी पी है, बी सी है और पी सी है। तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। तो पहला ए पी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी, और यहाँ दूसरा त्रिभुज का भुजा है बी पी, बटा लिखाएगा बी पी, यानी ए पी अनुपात बी पी हो जाएगा। एक अनुपात ये हो गया। दूसरा भुजा है यहाँ पर ए क्यू, तो ए क्यू जो है पी सी के अनुपात का होगा। तो यहाँ पर लिखाएगा ए क्यू बटा पी सी बराबर, यहाँ पर है पी क्यू बटा बी सी, यहाँ लिखाएगा पी क्यू बटा बी सी। यानी एक ही अनुपात में होते हैं जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, तब एंगल एंगल समरूपता से। तो जब यह प्राप्त हो गया तो इसमें ए पी का, बी पी का, ए क्यू का, बी सी का और पी क्यू बी सी का वैल्यू चाहिए। और जब इन सभी भुजाओं का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम विभाजन सूत्र ज्ञात कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, इन सभी भुजाओं का वैल्यू ज्ञात करेंगे इस रेखा के द्वारा। इसमें तीन बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं के द्वारा इस भुजाओं का लंबाई ज्ञात करना है। तो पहला है ए पी, तो ए पी का वैल्यू देखेंगे इस त्रिभुज में कौन है। तो यहाँ पर ए से पी का जो दूरी है एम वन है, इसका यह दूरी है, तो यहाँ पे ए पी का वैल्यू हो जाएगा एम वन। उसके बाद जो है बी पी का, तो यहाँ पे लिखेंगे बी पी, और बी पी का वैल्यू इसमें देखिए बी से लेकर पी तक का वैल्यू जो है एम टू है, एम टू लिख देंगे। उसके बाद ए क्यू का, तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू, और इसका वैल्यू इसमें से निकालेंगे, तो यहाँ पर है ए क्यू। अब ए क्यू जो वैल्यू है यह कैसे निकलेगा, तो जितना बड़ा ए क्यू है उतना ही बड़ा आर एस है, ठीक है। यहाँ पर जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, तो इसी से निकलेगा। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ जो मूल बिंदु होता है और यहाँ से एस तक का दूरी जो है यह एक्स अक्ष का दूरी कहलाता है। यानी वाई अक्ष से एक्स अक्ष पर कहीं भी दूरी लेंगे तो एक्स का वैल्यू होता है, यानी एक्स अक्ष का वैल्यू होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा इसमें जो है एक्स यही होगा, यानी यहाँ लिखेंगे यह एक्स दूरी है, यानी ओ से एस तक का जो दूरी है एक्स होगा। तो यहाँ हमको ए क्यू का दूरी निकालना है जो कि आर एस के बराबर है, तो ए क्यू बराबर लिखेंगे आर एस, और आर एस जो है इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इस ओ एस में से यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में से इसको घटा लेंगे, इतना ओ आर को घटा लेंगे तो आर एस बच जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट बनेगा ओ एस माइनस ओ आर, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ एस माइनस ओ आर, इतना लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ओ से एस तक का दूरी एक्स है, तो ओ से आर तक का जो दूरी है इसमें एक्स वन है, या इस पर इधर की दिशा में, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वाई अक्ष से दाएं में है, और यहाँ पे जो दूरी है एक्स वन है, तो ओ आर का दूरी यहाँ पे एक्स वन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है। यह बिंदु जो दिया है यहीं से आया है ये बिंदु, तो ओ आर का भी बिंदु मालूम हो गया एक्स वन है, और ओ एस का भी बिंदु हो गया एक्स है। तो ओ एस बराबर जो है एक्स है, तो एक्स लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद ओ आर, तो ओ आर का वैल्यू एक्स वन है, तो यहाँ पर एक्स वन लिख देंगे। तो ए क्यू का वैल्यू जो है एक्स माइनस एक्स वन हो गया। अब किसका निकालना है, तो पी सी का, तो यहाँ पर लिखेंगे पी सी। अब पी सी का दूरी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आएंगे पी सी है, और पी सी जो है एस टी के बराबर है, तो एस टी का दूरी निकाल देंगे तो पी सी का दूरी हो जाएगा, यानी पी सी का वैल्यू हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ओ से लिख करके टी तक का वैल्यू जो है इसमें एक्स टू है, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स टू, और यह जो दूरी है टी तक है, ओ से लेकर कहाँ तक, टी तक है एक्स टू वैल्यू, और यहाँ पर एस का जो दूरी है ओ से एक्स है, तो हमको ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो ओ टी से यानी ओ से लेकर टी तक के दूरी में से
ओ से लेकर एस तक का दूरी घटा देंगे तो एस टी बचेगा। तो अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि पी सी बराबर एस टी है तो यहाँ पे एस टी लिख लेंगे। अब एस टी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ओ टी में से ओ एस घटाएंगे तो लिखाएगा ओ टी माइनस ओ एस, ओ एस लिख देंगे, यानी ओ टी में से ओ एस घटाएंगे तो बचेगा एस टी, और एस टी जो है पी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बता भी दिया है कि ओ से टी तक का जो दूरी है एक्स टू है, तो एक्स टू लिखेंगे, ओ टी के जगह पर माइनस है तो माइनस, उसके बाद ओ एस, तो ओ एस जो है यहाँ पर है ओ से लेकर एस तक का दूरी एक्स है तो एक्स लिख देंगे। पी सी का जो दूरी है आ गया कितना, एक्स टू माइनस एक्स। अब जो है पी क्यू का दूरी निकालना है, तो इधर हम लिखते हैं पी क्यू का दूरी निकालना है, तो लिखाएगा यहाँ पर पी क्यू। अब पी क्यू जो है कैसे निकलेगा, तो पी क्यू यहाँ पर है। अब देखिए एक्स अक्ष से ऊपर दूरी लेना है, या नीचे भी लेंगे तो वही होगा, वाई का वैल्यू होगा। एक्स अक्ष से ऊपर दूरी लेंगे तो वाई का वैल्यू होगा, या नीचे लेंगे तो वाई का वैल्यू होगा। तो हमको ऊपर लेना है, तो यहाँ पर एक्स की लंबवत लेना है, तो एक्स अक्ष से कोई भी दूरी कोटी कहलाता है, यानी वाई कहलाता है। तो यहाँ हमको पी क्यू दूरी निकालना है, पी क्यू। तो यहाँ पर देखना है कि पी से एस तक का जो दूरी है इसमें वाई है, यह एक्स अक्ष से ऊपर जा रहे हैं, वाई का वैल्यू होगा, तो पी से एस तक का जो दूरी है इसमें वाई है, यानी यहाँ पे जो वाई लिखा गया है यहाँ एस से लेकर के पी तक का दूरी है। यहाँ पे हम इस तरह लिख भी सकते हैं, इस तरह यहाँ एस से पी तक का जो दूरी है वाई है। तो हमको पी क्यू ज्ञात करना है, तो पी क्यू कैसे ज्ञात होगा, तो क्यू एस मालूम होना चाहिए, तो क्यू एस कहाँ पे है, तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ बिंदु मालूम है, यहाँ तो बिंदु मालूम है नहीं, जो यहाँ से लिख देंगे, यहाँ है मालूम, यहाँ एयर जो है क्यू एस के बराबर है, तो एयर का मान निकल जाएगा तो क्यू एस का भी मान हो जाएगा। तो यहाँ ए से आर तक का जो दूरी है वाई वन है, ये एक्स अक्ष से ऊपर का दूरी लेंगे तो वाई का वैल्यू होगा, जो कि इसमें वाई का वैल्यू वाई वन है, तो यहाँ पर एयर का जो दूरी है वाई वन है। तो पी क्यू बराबर हमको लिखना क्या होगा, तो पी एस में से घटाना होगा क्यू एस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखाएगा पी एस माइनस क्यू एस, ये पी एस में से क्यू एस घटाएंगे तो मिलेगा क्या चीज़, पी क्यू। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जो है पी एस का तो वैल्यू इसमें वाई है, वाई लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, लेकिन क्यू एस का जो मान है यह कैसे निकलेगा, तो क्यू एस जो है ए आर के बराबर है, तो क्यू एस के जगह पर हम ए आर लिख देंगे। अब एक बार और लिखेंगे, यहाँ वाई तो वाई रहेगा, माइनस है तो माइनस, ए आर का जो वैल्यू है यहाँ पर बताया है कि वाई वन है, ये वाई वन है, तो वाई वन लिख देंगे। तो पी क्यू का वैल्यू आ गया वाई माइनस वाई वन। अब किसका निकालना है, तो बी सी का, तो यहाँ पे लिखना होगा बी सी। अब बी सी देखेंगे कहाँ है, तो बी सी यहाँ पे है। अब बी सी का दूरी निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ बी से लेकर टी तक ये बी टी है, बी टी में से सी टी घटा लेंगे तो बी सी बच जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बी से लेकर टी तक का जो दूरी है वाई टू है, ये यहाँ का जो बिंदु है ये वाई टू कहाँ से लिखा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसी को यहाँ पर लिखा जाता है। तो बी टी का दूरी तो वाई टू हो गया, उसके बाद जो है घटाना है हमको सी टी, तो सी टी का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो सी टी जो है यह पी एस के बराबर है, और पी एस का दूरी यहाँ पे बताए हैं वाई है, तो सी टी का भी वैल्यू वाई हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, दोनों वैल्यू मालूम है लिखेंगे। तो बी सी दूरी निकालने के लिए बी टी में से सी टी घटा लेंगे, तो लिखाएगा बी टी माइनस सी टी, और बी टी का जो वैल्यू है बी टी का यहाँ पे वाई टू है, वाई टू लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। सी टी जो है इसका वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन सी टी जो है पी एस के बराबर है, तो यहाँ पे पी एस लिख लेंगे। अब एक बार और लिखेंगे, वाई टू तो वाई टू अपना जगह पर रहेगा, माइनस है तो माइनस, पी एस का वैल्यू जो है यहाँ पे वाई है तो वाई लिख देंगे। तो यहाँ पर जितना भी भुजा है सबका वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब जो है इन वैल्यूओं को इस अनुपात पर रखते हैं, तो इसको समीकरण हम मान लेंगे, यहाँ पे समीकरण दो, तो लिखाएगा समीकरण दो से, समीकरण दो जो है इससे। अब इसका क्या करेंगे, जितना वैल्यू है उसको रखेंगे, तो यहाँ ए पी है तो ए पी के बराबर, एम वन है तो एम वन लिखेंगे, बटा है तो बटा लिखेंगे, नीचे है बी पी तो बी पी का वैल्यू एम टू है, एम टू लिख लेंगे, उसके बाद बराबर है तो बराबर लिख देंगे, उसके बाद ए क्यू है तो ए क्यू का वैल्यू इसमें आया है यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वन, अब बटा है तो बटा लिखेंगे, फिर पी सी है तो पी सी का वैल्यू जो है यहाँ पर निकाला गया है एक्स टू माइनस एक्स, तो एक्स टू माइनस एक्स लिख देंगे, फिर यहाँ बराबर है तो बराबर लिखेंगे, यहाँ पी क्यू है तो पी क्यू का वैल्यू जो है यहाँ पे वाई माइनस वाई वन आया है तो लिखेंगे वाई माइनस वाई वन, बटा है इसमें तो बटा लिखेंगे, उसके बाद बी सी है तो बी सी का वैल्यू यहाँ पर आया है वाई टू माइनस वाई, तो लिखेंगे वाई टू माइनस
वाई इतना लिख दिए। अब इसको क्या करना है तो बारी बारी से सॉल्यूशन करना होगा। यानी क्या सॉल्यूशन करना है तो एक बार m1 बटा m2 को x वाला वैल्यू के साथ बराबर करके सॉल्व करेंगे और उसके बाद दूसरा जो है m1 बटा m2 को y वाला वैल्यू के साथ सॉल्यूशन करेंगे तो x और y का वैल्यू निकलेगा। यानी इसमें x और y का वैल्यू आ जाएगा तो p बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो इन से x वाला वैल्यू के बराबर करेंगे तो एक बार x के बराबर होगा और y वाला के वैल्यू के बराबर करेंगे तो एक बार y का वैल्यू आएगा और दोनों को एक बिंदु के रूप में लिख देंगे तो विभाजन सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे या m1 बटा m2 बराबर x माइनस x1 बटा x2 माइनस x। यह हो गया x वाला वैल्यू के साथ एक बार बराबर, क्योंकि तीनों बराबर है तो इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी कर सकते हैं। तो एक बार तो यह जो है x वाला के बराबर हो गया तथा दूसरा क्या होगा इसको y वाला के वैल्यू के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया m1 बटा m2 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y, y वाला के बराबर कर लिए, अलग अलग कर लिए। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो इसको आप दूसरे पेज पर लिखते हैं। तो इतना आप लिख दिए तो अब क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब बराबर के दोनों साइड बटा में रहता है तो उसके एक लाइन में करना रहता है तो क्रॉस गुना करते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो m1 से इन दोनों में गुना होगा और m2 से इन दोनों में गुना होगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे m1 से x2 में तो होगा m1 x2, यानी गुना करेंगे तो दोनों एक साथ लिखाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। m1 से x में गुना होगा तो m1 x हो जाएगा, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। उसके बाद अब m2 से इसके ऊपर गुना होगा तो m2 से x में गुना होगा तो लिखाएगा m2 x, यानी m2 into x, माइनस है तो माइनस। उसके बाद m2 से x1 में गुना होगा तो लिखाएगा m2 x1, तथा अब इधर भी वही काम करना होगा, यहाँ भी क्रॉस गुना होगा तो m1 से इसमें गुना करेंगे तो m1 से y2 में गुना होगा तो m1 y2 होगा तो m1 y2 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। फिर m1 से y में गुना होगा तो m1 y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अब m2 से इन दोनों में गुना होगा तो m2 से y में गुना होगा तो m2 y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर m2 से y1 में गुना होगा तो m2 y1 हो जाएगा, इतना लिख देंगे। अब क्या करेंगे तो यहाँ पर जो है x वाला है, यहाँ पर भी x वाला है, इसमें x x है तो इन दोनों को एक साथ करेंगे और x2 और x1 वाला को एक साथ करेंगे। तो m1 x2 को यहीं पर रखेंगे और इसको इस साइड लेके आ जाएंगे बराबर के इस साइड, तो माइनस में है m2 x1 तो प्लस में हो जाएगा m2 x1, बराबर है तो बराबर, यहाँ पर है m2 x और इसको बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा m1 x, दोनों x वाला एक जगह हो गया और यह x2 और x1 वाला एक जगह हो गया। यहाँ पे लिखेंगे तथा, अब यहाँ भी उसी तरह काम करेंगे, y वाला को एक साथ करेंगे और y2 और y1 को एक साथ करेंगे तो y2 वाला को यहीं पर रखेंगे m1 y2 को और ये माइनस में है y1 वाला, इसको बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा m2 y1, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। या m2 y जो है यहीं पर रहेगा और इसको बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा m1 y, तो दोनों y वाला एक जगह हो गया और y1 और y2 यहाँ पर एक जगह हो गया। अब जो है यहाँ पे तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1, या इसी तरह रहेगा। अब इन दोनों में x जो है कॉमन है तो x क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, दोनों में है सेम है तो x कॉमन करेंगे, तो x कॉमन करेंगे तो इस x से इसमें भाग करेंगे तो x x तो कट जाएगा, सिर्फ m2 बचेगा तो m2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। फिर x से m1 into x में भाग करेंगे तो x x कट जाएगा, सिर्फ m1 बचेगा तो m1 लिख देंगे। अब इधर लिखेंगे तथा, यहाँ भी यह जो है इसी तरह रहेगा, m1 y2 इसी तरह रहेगा प्लस m2 y1 इसी तरह रहेगा। अब इन दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन करेंगे, अब इस y से इसमें भाग करेंगे यानी m2 into y में भाग करेंगे तो y y कट जाएगा तो m2 बचेगा, प्लस है तो प्लस। फिर इस y से m1 y में भाग करेंगे तो y कट जाएगा, m1 बचेगा, इतना लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हमको x का वैल्यू ज्ञात करना है, x के बराबर करना है। तो यहाँ पर x और ये पार्ट दो पार्ट है, x और ये पार्ट दोनों गुना में है, हमको इस पार्ट को भेजना है x के बराबर करना है, इसलिए तो यह गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग करेगा तो यहाँ पे होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा, ये आके इधर भाग करेगा
तो m2 प्लस m1 हो जाएगा और बराबर इधर सिर्फ x बचेगा। इसी तरह यहाँ पर दिखाया जाता था, यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ y और ये अलग पार्ट है, गुना में है, तो इन दोनों वैल्यू जो है एक साथ जो है इसको बराबर के साथ भेजेंगे तो गुना में है तो इधर आके इसमें भाग करेगा। तो यहाँ पर लिखाएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन और ये इधर आएगा तो भाग करेगा तो लिखाएगा बटा एम टू प्लस एम वन, इधर बचेगा सिर्फ वाई। अब इसको थोड़ा सा सजा देंगे, एक्स को पहले लिख देंगे और इस सबको उस साइड लिख देंगे। तो इसमें जो है वाई वैल्यू है उसी वैल्यू पर लिखा जाएगा तो इसमें कोई चिन्ह नहीं बदलता है, तो है एम वन एक्स टू और प्लस एम टू एक्स वन और बटा नीचे है एम टू प्लस एम वन, तो इसको एम वन को पहले लिख देंगे और प्लस एम टू को बाद में लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तथा यहाँ भी उसी तरह लिख लेंगे, y बराबर लिखेंगे क्योंकि y के वैल्यू के बराबर ही ये आया हुआ है, तो लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा इसको पहले लिख लेंगे m1 को और प्लस m2 को बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है यहाँ पे आ गया m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यहाँ पे y का वैल्यू आया है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, तो इतना आ गया है यानी x और y का वैल्यू ज्ञात हो गया है। तो हमें एक रेखा पर P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था जिसमें P बिंदु का निर्देशांक x था और y था, तो x का और y का वैल्यू ज्ञात हो गया यानी उसके बराबर फॉर्मूला बन गया तो P बिंदु का निर्देशांक लिखाया जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना होगा यानी बिंदु का निर्देशांक यानी बिंदु के रूप में, तो बिंदु होता है एक्स कॉमा वाई यानी एक्स और वाई के द्वारा बना हुआ बिंदु रहता है, तो इसके बराबर करना होगा तो ब्रैकेट देंगे और x का वैल्यू यहाँ पे आया है, यहाँ पे लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कॉमा है तो कॉमा, उसके बाद y का वैल्यू, तो y का वैल्यू यहाँ पर है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा है m1 प्लस m2, तो यह बिंदु के रूप में हो गया। तो किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो इसी फॉर्मूला का यूज किया जाता है और इसी फॉर्मूला को कहा जाता है विभाजन सूत्र, यहाँ पे लिख देंगे विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला, इसी फार्मूला को कहा जाता है। तो यह फार्मूला जब ज्ञात हो गया तो अब जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है या क्वेश्चन बनाने के लिए भी यूज होता है। कौन सा फार्मूला, तो एक रेखाखंड दिया हो, दो बिंदु दिया हो, ए बिंदु और यहाँ पे बी बिंदु, तो उसके बीच का यानी मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना है तो उसका अलग फार्मूला होता है, इसका अलग फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए। मध्य बिंदु जो होता है दोनों तरफ से बराबर दूरी पर होता है यानी एकदम बीच में होता है, तो इसलिए उसका अलग फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी उसका वैल्यू एक्स कॉमा वाई के रूप में दिया हो तो उसके बराबर फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बटा टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बटा टू, यह फॉर्मूला होता है। मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना है तो x1 प्लस x2 बटा 2 यानी यहाँ के बिंदु जो होता है x1 कॉमा y1 और यहाँ पे x2 कॉमा y2, यहाँ का जो होता है उससे यहाँ पे लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा। इसमें m1 और m2 के वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं होता है, जब बराबर होता है यानी m1 बटा m2 जो है मध्य बिंदु कब होता है, जब ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होता है तब, तो ये और ये दोनों बराबर होगा तो इसका कोई ज़रूरत नहीं होगा। जैसे मान लेंगे यह दो है, दो सेंटीमीटर दूर है और यह दो सेंटीमीटर है यानी m1 का मान भी दो है और m2 का मान भी दो है, तो दो दो कट कर एक होगा और इस फॉर्मूला में हम m1 के जगह पर एक रखेंगे तो x2 में गुना होकर के x2 ही होगा, m2 के जगह पर भी एक रखेंगे तो x1 में गुना होकर के x1 होगा और नीचे m1 का एक रखेंगे और m2 का भी एक रखेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का जो अनुपात लिया जाता है अगर ले करके बनाएंगे इस फॉर्मूला से तो उसमें अनुपात जो है एक लिया जाता है, m1 का वैल्यू भी एक लिया जाएगा और m2 का वैल्यू भी एक लिया जाएगा या इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अगर समझ गए होंगे कि यह कैसे आया है यह फार्मूला, तो इसी से आया है। तो कब यह फार्मूला इस रूप में होगा, तो मध्य बिंदु में होगा, तब मध्य बिंदु कब होगा तो उनका अनुपात जब बराबर होगा तब, तो अनुपात जब बराबर होगा तो एक उसका होगा अनुपात, उसका वैल्यू जो है अनुपात का एक होगा। अगर इस फॉर्मूला को याद करना है निर्देशांक याद करने के लिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एम वन जो है एक्स टू वाला से गुना में है और एक्स वाला वैल्यू की जगह पर है, प्लस है तो प्लस, फिर एम टू जो है एक्स वन वाला से गुना में है यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बाद अनुपात वाला जो एम वन और एम टू जो है इसको बटा करके जोड़ दिया गया है।
और ये जो है वाई वाला उसी तरह सेम है, एम वन से वाई टू में गुना करके यहाँ पे लिखा गया है, प्लस है तो प्लस, एम टू से यहाँ एम टू रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे वाई वन में गुना करके यहाँ पे लिखा गया है, और बटा इस दोनों अनुपात को जोड़ दिया गया है। तो इस तरह का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। यह हो गया विभाजन सूत्र, दोनों विभाजन सूत्र है। तो यह जो सूत्र है किसी रेखाखंड के बीच में कहीं भी, बीच में एकदम नहीं हो, कहीं भी हो रेखाखंड के अंदर कहीं भी बिंदु है उसको ज्ञात करना है, तो इसका विभाजन सूत्र ये हो जाएगा। उसके बाद जो है पूरा मध्य बिंदु है यानी एकदम बीच में है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर है विभाजन सूत्र। अब जो है एक और फॉर्मूला आता है, यहाँ पे उसको लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? तो त्रिभुज अगर दिया हो, इस तरह त्रिभुज दिया हो और इसके बीच में यहाँ पे केंद्रक होता है, इसका निर्देशांक अगर निकालना है तो उसका भी फॉर्मूला होता है। ऐसे इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी, तो इधर तीनों कोण से मिलाएंगे तो यहाँ पे एक केंद्रक बनता है, इसको मान लेंगे पी, और इसका वैल्यू एक्स कमा वाई मान लेंगे। इसका अगर निर्देशांक निकालना है यानी त्रिभुज के केंद्रक का, तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक, यानी इसका निकालना है जिसका जो बिंदु है क्या चीज माना गया है, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई यानी पी जो है इस त्रिभुज का निर्देशांक, इसका अगर निकालना होगा तो यहाँ पे लिखा है समतुल्य का चिन्ह, बराबर का चिन्ह नहीं, समतुल्य का चिन्ह, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटा थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटा थ्री। यह होता है फॉर्मूला। अगर किसी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालना है तो तीनों बिंदुओं से x1, x2, x3 तीनों को जोड़ेंगे और तीन से भाग कर देंगे तो x वाला वैल्यू निकलेगा, और y1, y2, y3 तीनों को जोड़कर तीन से भाग करेंगे तो y वाला वैल्यू निकलेगा, और इस तरह इस बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यह जो फॉर्मूला है ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछता है और इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए भी पूछता है। तो इस तरह यहाँ पे विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु में भी विभाजन सूत्र, दो सूत्र और त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पे तीन फॉर्मूला बताएं। तो इस तरह हम बताएं, अब जो है इसका यूज जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल सिक्स को लेकर के बताएंगे और उसमें समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो इस तरह यहाँ पे विभाजन सूत्र आया। तो यह वीडियो यानी यह सॉल्यूशन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।